हाय फ्रेंड्स, मैं अम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा दंगल के बारे में और कहीं ना कहीं थोड़ी मेरी हिस्ट्री शेयर करूंगा दंगल से रिलेटेड, और साथ ही बताऊंगा कि आज ये 200 करोड़ का जो बात घूम रही है हर जगह उसके बारे में बात करूंगा, और ट्रेंड भी फिलहाल हो रहा है दंगल, पूरी चीज़ बताऊंगा। दंगल 23 दिसंबर 2017 2016 में रिलीज हुई थी और मुझे यकीन है, मतलब मुझे याद है सीधी तरह से, मैंने पहले दिन ही ये फिल्म देखी थी और फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और उसके बाद तब से ही मैं सोचा कि इस फिल्म के बारे में जितना हो सके मैं बताऊंगा। और जब दंगल चली थी लगभग लगभग मेरे हिसाब से 1.5 महीने तक इंडिया में खुद चली थी, यानी कि जनवरी के जब 20-25 तारीख होने आ रही थी तब तक ये फिल्म चल रही थी, और उसके बाद जब रईस अल काबिल आ गई थी तो थोड़ा कम हो गया था, यानी कि ना के बराबर। लेकिन इसी बीच में इस फिल्म ने 387 करोड़ तक की कमाई कर ली थी, या कर ली थी। उसके बाद से लगा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी फिल्म है, ऐसी फिल्म आगे बननी चाहिए। और उसके बाद दंगल ताइवान में रिलीज हुई, फिर भी उतना ज़्यादा किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि हम बॉलीवुड फिल्म ज़्यादातर इंडिया में चलती है, इंडिया के बाहर कुछ थोड़ा यूएसए में चल जाती है, थोड़ा मिडिल ईस्ट में चली जाती है, उसके बाद उसका पैकअप हो जाता है, नहीं बंद हो जाता है, उसके बाद कलेक्शंस का और सोर्स लगता नहीं है। ये तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की फिल्म्स का ओवरसीज मार्केट में भी अच्छा कलेक्शन है, बाकी स्टार्स का तो मुश्किल है, उतना भी नहीं रहता बिल्कुल ओवरसीज मार्केट में। मतलब इंडिया का कलेक्शन इंडिया के बाहर होता ही नहीं था ज़्यादातर फिल्मों का, लेकिन आमिर खान की इस फिल्म ने एक नया रास्ता भी ओपन किया, यानी कि चाइना का। इसके पहले भी आमिर खान एक दो फिल्में रिलीज हो चुकी है चाइना में, और स्पेसिफिक बात करें तो 3 इडियट्स और आई थिंक पीके, तो उन दोनों फिल्मों ने बहुत अच्छा धमाल किया था, और कहीं ना कहीं पीके ने तो 100 करोड़ के ऊपर कलेक्शंस किया था। आमिर खान को तभी पता चल गया था कि ये फिल्म बहुत बढ़िया कलेक्शंस करेगी चाइना में, यानी कि दंगल, उन्हें यकीन था। और आमिर खान बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशिव इंसान है, मतलब जो सोचते हैं उनको लगता है कि हाँ यार ये हो रहा है या ऐसा हो सकता है तो वो करते ज़रूर है। और दंगल रिलीज़ हुई पहला हफ्ता, पहले दिन का कलेक्शंस खुद का मैं बताता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है 4 साढ़े 4 करोड़ था, आई थिंक उससे ज़्यादा नहीं था, 4 साढ़े 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं था कलेक्शन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम था कलेक्शन, बहुत ही कम। उसके बाद सेकेंड डे, थर्ड डे धीरे धीरे ग्रो होता गया, एक हफ्ते में फिर भी 100 करोड़ के ऊपर पार कर लिया था। लेकिन जो उसका मेन कलेक्शन आया सेकेंड वीक में आया, जब पहले हफ्ते से दुगना कलेक्शन किया दंगल ने, और लगातार मैं आप लोगों को तो अपडेट देते ही जा रहा हूँ दंगल की, तो दंगल के ऑलरेडी मैं अगर आप देखो तो मैं 53 डेज जो भी हो चुके हैं, यानी कि 8वें हफ्ते के मंडे ट्यूसडे तक का मैंने कलेक्शंस आपको हर तरह से बताया है, और मैं 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि 2000 करोड़ इसने कमा लिए है, कमा लिए है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे कोई बताने के लिए रेडी नहीं था कोई क्रिटिक। उसके बाद अब धीरे धीरे करके एक के बाद एक कल से हर वेबसाइट वाले, हर क्रिटिक अपने अपने रिव्यू दे रहे हैं कि 2000 करोड़ हो चुके हैं, और आज ट्विटर ट्विटर पर ये ट्रेंडिंग भी हो रहा है, चौथे नंबर पे, आई थिंक फर्स्ट नंबर पे भी आ जाएगा फॉर श्योर कि दंगल के 2000 करोड़ हो चुके हैं, और हर जगह आप देख सकते हो। अगर आप ट्विटर पे अभी देखोगे दंगल के 2000 करोड़ हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में तारीफ मिलेगी, आमिर खान के बारे में देखने को सुनने को। मैं चाह तो आपको दिखा भी सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग खुद देखे, उसे आपको ज़्यादा खुशी होगी, और देखते हैं अगर अगर प्रॉपर कलेक्शंस मिल देंगे दंगल के पता चलेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अदरवाइज आई थिंक यही तक का कलेक्शंस मैं था जो भी चाइना का यहाँ तक ही बता पाया, क्योंकि इसके बाद मुझे क्लियर नहीं हो रही है कलेक्शंस, क्योंकि कलेक्शंस में आगे पीछे काफ़ी कुछ हो रहा है, कोई कलेक्शंस के हिसाब से बता रहे कि 1213 करोड़ हुआ है, तो कोई बताया 1217 करोड़ हुआ है, तो मैं अगर क्लियर नहीं हूँ तो मैं कलेक्शंस आप लोग को नहीं बता सकता हूँ। कन्फ्यूजिंग क्यों बताऊँ, क्योंकि ऑलरेडी ये तो लोग सवाल उठाएं कि यार आप कलेक्शंस फेक बताते हैं, तो आई होप आप लोग को भी खुशी होगी कि दंगल के 2000 करोड़ हो गए, ऑफिशियली हर वेबसाइट पर आ चुका है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी स्टैंप लगा दिया कि हाँ हो चुके हैं, और आप फिलहाल ट्विटर पे भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आपको बहुत खुशी होगी जानकर। बस इसी तरह के वीडियोस देखते रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो रेड बटन दिखता हो क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। आई होप आपका मेरा दंगल से जुड़ा हुआ जो एक रिश्ता है वो हमेशा बरकरार रहेगा, इसी तरह आने वाली वीडियोज़ को साथ भी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और मेरी वेबसाइट को भी विजिट करना ना भूले, bollywoodcraze.com, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। चलिए, बाय बाय।